नगर पालिका निगम भिलाई की महापौर नीरज पाल ने स्मृति नगर में स्वर्गीय एस के दास मेमोरियल उद्यान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उद्यान और बाल गंगाधर तिलक उद्यान में नवनिर्मित ओपन जिम का लोकार्पण किया और इसके लिए स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमआई सदस्य संदीप निरंकारी ने की। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे के अध्यक्षीय कार्यकाल में स्मृति नगर में लगातार विकास कार्य प्रगति पर रहा है, जो अब भी लगातार जारी है। क्षेत्र के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से संस्था द्वारा स्मृति नगर में एस के दास मेमोरियल उद्यान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उद्यान और बाल गंगाधर तिलक उद्यान में ओपन जिम का निर्माण कराया गया है, जिसका विधिवत लोकार्पण महापौर नीरज पाल द्वारा किया गया। महापौर ने तीनों जिम परिसर का भ्रमण किया, अध्यक्ष राजीव चौबे से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और जिम में वर्कआउट भी किया। महापौर नीरज पाल ने उपस्थित लोगों से उनका कुशल क्षेम भी पूछा और चर्चा की। महापौर नीरज पाल ने कहा कि वे 2011 में भी यहां आए हुए थे, यहां के खेल मैदान को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली थी। उन्होंने राजीव चौबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्मृति नगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने राजीव चौबे हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं। आने वाले दिनों में छूटे हुए कार्यों को पूरा कराया जाएगा। इसके पूर्व महापौर और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर निगम के एमएससी मेंबर संदीप निरंकारी का क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्पहार से स्वागत किया गया। महापौर नीरज पाल एवं अध्यक्ष राजीव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये लगातार जो स्मृति नगर सोसाइटी के अध्यक्ष और मेरे मित्र राजीव चौबे जी के प्रयासों से जो जिम यहाँ लगाया गया है, इस जिम का आज लोगों को समर्पित करना था। तो लोगों का हमारा अपने परिवार हैं स्मृति नगर के, जिन परिवारों के बीच में आके आज हमने इसका लोगों को समर्पित किया। आने वाले समय में स्मृति नगर के लिए क्या योजना? आने वाले समय में स्मृति नगर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पूर्व में जो सीमेंटीकरण स्मृति नगर में हुआ था, उसमें लगभग 70 लाख रुपए बचे हुए थे। बचत जो बची हुई राशि थी, उसके लिए फिर से प्रस्ताव शासन को दिया हुआ है, जो शासन स्तर पर लंबित है। बहुत जल्दी स्वीकृत होकर वो आएगा तो उसका काम भी कराया जाएगा यहाँ। उसके साथ ही साथ एक सीवरेज को लेके एक पत्र शासन से आया है, उस पत्र के आधार पे प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया अभी निगम स्तर पर लंबित है। प्रक्रिया जब प्रस्ताव बन जाएगा तो उसको शासन को भेजा जाएगा। स्मृति निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा हाल ही में स्मृति नगर के 3 उद्यानों में ओपन जिम लगाए गए थे, जिसके लोकार्पण है तो महापौर जी आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप निरंकारी जी ने की। संस्था द्वारा ओपन जिम लगाने के लिए नगर निगम को भी आवेदन दिया गया था, जिसके तहत नगर निगम भिलाई द्वारा स्वीकृति के लिए, शासकीय स्वीकृति के लिए संचालक को भेजा गया है पत्र। उसमें 3 ओपन जिम और लगने हैं, 15 लाख रुपए की स्वीकृति मांगी गई है, शीघ्र ही मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा स्मृति नगर के 2 सड़कों के किनारे पेवर बिछाने के लिए 33 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार करके उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। और स्मृति नगर के सड़कों का जो सीमेंटीकरण हुआ था, उसमें जो सड़कें रह गई थी, उन शेष सड़कों के सीमेंटीकरण के लिए 70 लाख का प्रस्ताव नगर पालिक निगम द्वारा संस्था के निवेदन पर, ये 3 प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे हैं, संचालक नगरी निकाय को, जिनकी बहुत जल्दी स्वीकृत होने की उम्मीद है। तो इस तरह से 3 बड़े कार्य स्मृति नगर में संपन्न होंगे। इसके अलावा संस्था द्वारा स्मृति नगर के सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक पत्र निवेदन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से भूपेश बघेल जी को दिया था, तो उस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सकारात्मक निर्देशात्मक पत्र नगर पालिक निगम भिलाई को भेजा गया है कि उस पर शीघ्र कार्रवाई करें। तो नगर पालिक निगम भिलाई उसका प्राकलन तैयार कर रहा है, अतिशीघ्र ही प्राकलन तैयार करके उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए संचालक नगरी निकाय को भेजा जाएगा। तो इस तरह से जो बड़े बड़े काम जो स्मृति नगर के विकास के आने वाले कुछ महीनों में संपन्न होते दिखाई देंगे। बहरहाल इस अवसर पर क्षेत्र के लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।